हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बॉलीवुड सिनेमा के टॉप 10 खलनायक कौन हैं उनके बारे में जानेंगे। उनकी पहचान उनके मशहूर डायलॉग से ही हो जाती है। इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे सिनेमा में हीरो और हीरोइनों की भूमिका अहम होती है, वैसे ही खलनायकों की भूमिका भी अहम होती है। असल ज़िंदगी में वो उस तरह के नहीं होते हैं जैसे सिनेमा में उन्हें दर्शाया जाता है। फिल्मों में तो वो सिर्फ एक किरदार निभाते हैं, पर कितने खलनायक अपने असल ज़िंदगी में भी उसी किरदार के नाम से जाने जाते हैं। वो किरदार उनकी यादगार पहचान बन गई है। तो आइए चलिए हम जानते हैं कि वो कौन है बॉलीवुड सिनेमा के टॉप खलनायक। 10वें नंबर पे आते हैं अजीत खान। अजीत खान का असली नाम हामिद अली खान है। अजीत एक मशहूर खलनायक थे। खलनायक के रूप में उनकी पहली फिल्म सूरज थी। उन्हें उनके मशहूर डायलॉग मोना डार्लिंग, फिल्म यादों की बारात और लिली डोंट बी सिली जंजीर के लिए जाना जाता है। फिल्म कालीचरण में उनके अभिनय और डायलॉग सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है को ज़्यादातर याद किया जाता है। अजीत के स्टाइलिश अभिनय के साथ साथ उनके गोल्डन वीक, सिगार और नाइट गाउन ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे डैशिंग खलनायक में से एक बना दिया। अब बात करते हैं सदाशिव अमरापुरकर की। सदाशिव अमरापुरकर ने कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई, एक भ्रष्ट राजनीतिक से एक दुष्ट जमींदार तक। सड़क में महारानी के उनके किरदार ने उनके डायलॉग टॉप की वैश्या बनाऊंगी काफ़ी सुर्खियों में रहा। सदाशिव की सबसे बुरी खलनायक किरदार की भूमिका फरिश्ते और इश्क में दिखी। अब बात करेंगे साकाल यानी कि कुलभूषण खरबंदा की। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से प्रेरित होकर कुलभूषण खरबंदा ने शान में वेस्टर्न खलनायक साकाल की भूमिका निभाई। उन्होंने बुलंदी और प्रेम रोग में भी खलनायक की भूमिकाएं निभाई। जबकि कुलभूषण खरबंदा ने कई अच्छी अच्छी भूमिकाएं की हैं, शान में उनकी भूमिका उल्लेखनीय थी। हमेशा फिल्मों में एक अच्छी शख्सियत के रूप में देखे जाने पर उनमें से ज़्यादातर लोग उस समय काफ़ी हैरान थे जब उन्हें खलनायक के रूप में चुना। साकाल हिंदी सिनेमा का एक पहला हाईटेक विलन था। अब बात करेंगे क्राइम मास्टर गोगो यानी कि शक्ति कपूर की। बॉलीवुड में उन्हें क्राइम मास्टर गोगो से पहचाना जाता है। शक्ति कपूर को बॉलीवुड फिल्मों में दुष्ट बलात्कारी की भूमिका के लिए पहचाना जाता था। फिरोज खान की कुर्बानी में उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद शक्ति कपूर रातों रात स्टार बन गए। उन्होंने अपना करियर मूल रूप से एक खलनायक के रूप में शुरू किया और फिर बाद में एक कॉमेडी भूमिका में बदल गए। अब बात करेंगे डॉक्टर डैंग की यानी कि अनुपम खेर की। दर्शकों द्वारा प्रशंसित इस अभिनेता को मंच के नाटकों में काम करने के लिए और साथ ही साथ कई फिल्मों में उनकी कॉमेडी भूमिकाओं के लिए सराहा गया है, लेकिन हम यह कभी नहीं भूलेंगे कि वह फिल्म कर्मा में पागल वैज्ञानिक डॉक्टर डैंग और दिल में आमिर के गरीब पिता भी थे जो पैसे के मोह में थे। 5वें नंबर पे आते हैं डैनी डेंजोगोपा। फिल्म हम में बख्तावर के रूप में उनकी भूमिका अभी भी हमारे दिमाग में है। शोले में गब्बर की भूमिका के लिए डैनी डेंजोगोपा पहली पसंद थे, लेकिन वह भूमिका को स्वीकार नहीं कर सके। फिल्म घातक में उनकी कात्या की भूमिका कोई नहीं भूल पाएगा। नंबर 4 पे आते हैं प्राण। प्राण ने बॉलीवुड में इतने नकारात्मक किरदार निभाए कि उन्होंने 2002 में आयोजित स्टार डस्ट अवार्ड समारोह में भी विलेन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड जीता। नंबर 3 पे आते हैं प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा से मशहूर प्रेम चोपड़ा, उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में अधिकांश फिल्मों में बलात्कारी की भूमिकाएँ निभाई। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में बॉबी, उपकार और दाग शामिल है। अब बात करेंगे बैडमैन यानी गुलशन ग्रोवर की। बॉलीवुड में गुलशन ग्रोवर को बैडमैन से मशहूर है। रामलखन में उनका बैडमैन डायलॉग इतना लोकप्रिय हो गया कि उनके प्रशंसक उन्हें बॉलीवुड का बुरा आदमी भी कहते हैं। नंबर 2 पे आते हैं गब्बर यानी कि अमजद खान। शोले फिल्में आज भी सबको याद है और उसमें जय वीरू की दोस्ती सभी को याद है। बसंती यानी धन्नो को भी कोई कैसे भूल सकता है, लेकिन हम गब्बर को कभी नहीं भूल सकते। उनकी डायलॉग कितने आदमी थे कालिया दिमाग में है। गब्बर सिंह जिनके बिना शोले मेगा
ब्लॉकबास्टर नहीं होती जिसे आज भी माना जाता है, और उनका डायलॉग हे ठाकुर हाथ मुझे दे दे काफ़ी लोकप्रिय रहा। नंबर वन पर आते हैं मोगैम्बो खुश हुआ, यानी कि अमरीश पुरी। मोगैम्बो पहले खलनायक हैं जिनके सभी उनकी प्रसिद्ध लाइनें मोगैम्बो खुश हुआ और उनका मिस्टर इंडिया फिल्म का ब्लैक एंड गोल्ड गेटअप से हम सब याद करते हैं। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है। अमरीश पुरी बॉलीवुड में हीरो बनने आए थे लेकिन वो विलन से मशहूर हो गए। ये थे बॉलीवुड के कुछ मशहूर खलनायक। अगले वीडियो में हम कुछ और नया लाएंगे। हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहें और लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप ऑल ऑफ यू सेफ। प्लीज़ स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।